शहीद दिवस के अवसर पर शहीद हुए जवानों को रेड क्रॉस सोसाइटी ने एसडीएम कार्यालय धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर धर्मशाला शहर के युवाओं सहित सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने रक्तदान किया। बता दें कि एसडीएम कार्यालय में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने रक्तदान कर शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेगटा ने भी रक्तदान शिविर में अपनी भूमिका निभाई है। उधर जानकारी देते हुए एसडीएम धर्मशाला शिल्पी बेगटा ने कहा कि शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा समाज सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जिला प्रशासन जेल में बनाए जाने वाले उत्पाद व रेडक्रॉस सोसाइटी व अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर लोगों को उनके घर द्वार जाकर उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया जाए। वहीं एसडीएम शिल्पी बेगटा ने कहा कि जिला प्रशासन अब नई शुरुआत करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का खास ध्यान अब जिला मुख्यालय से हटकर पंचायतों में रहेगा। धर्मशाला सब डिवीजन की रेड क्रॉस सोसाइटी हमने फॉर्म की है और आज कांगड़ा सेवियर्स के संयुक्त तत्वाधान में हम यहाँ पे अपने कार्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। 23 मार्च शहीदी दिवस को हमने खास तौर पे इस रक्तदान शिविर के लिए चुना था ताकि हमारे लोग और जुड़े हमारे साथ और इस शहीदी दिवस पर रक्तदान करके समाज की सेवा में आगे बढ़े। आने वाले समय में रेड क्रॉस सोसाइटी देखिए एक तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करेगी, दूसरा हमारा फोकस जेल में जो हमारे इनमेट्स हैं उन पे रहेगा। उसके अतिरिक्त हम अपना जो शेड्यूल ऑफ इवेंट्स बना रहे हैं उसमें अलग अलग संस्थाओं के साथ हमने मिलकर यहाँ कार्य करने हैं। जैसे हमारे पास रोटरी वालों की एक स्पेशल व्हीकल है जिसके थ्रू हम लोगों की आई टेस्टिंग करते हैं, तो उनको भी हम उनकी सर्विसेज अपने यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। और हमारा फोकस अब हेडक्वार्टर से हटके पंचायतों में रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे कार्यक्रम होंगे उसके लिए हम अपनी पंचायतों को ही चुनेंगे। उधर कांगड़ा सेवियर्स के मुख्य सलाहकार परविंदर सिंह ने बताया कि शहीदी दिवस यादगार बनाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो कांगड़ा सेवियर्स जिला कांगड़ा में समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहता है। रक्तदान महादान ये कांगड़ा सेवियर्स की एक प्रथा रही है और काफी लंबे समय से जो है वो कांगड़ा सेवियर फेडरेशन में काम कर ही रहा है, लेकिन लकीली एक समय एक ऐसा भी आया कि जिसमें रेड क्रॉस धर्मशाला की स्थापना की गई, जिसके लिए 13 मार्च को जो है वो एसडीएम महोदय के कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें काफ़ी गणमान्य सदस्यों ने भाग लिया। रोटरी क्लब की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या कांगड़ा पुलिस सेवियर की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने इसमें जो है वो भाग लिया था। और उस दिन ये फैसला लिया गया था कि डिवीज़न लेवल पर रेड क्रॉस की स्थापना की जाएगी और पहला कार्य जो है वो शहीदी दिवस पर, जैसे कि आज का दिन हमें मिला, तो इसमें रक्तदान का जो है वो आयोजन किया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।